नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के आज के इस नए वीडियो में। आज का ये वीडियो हमारा होने वाला है कि किसी भी पेन ड्राइव को हम लोग बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बना सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि विंडोज़ 10 को आप बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बना सकते हैं, विंडोज़ 10 के वर्जन को। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। हम लोग पूरा प्रोसेस जानेंगे कि कैसे हम लोग विंडोज़ 10 इंस्टॉल करते हैं, उसको किस तरह, किस साइट से, किस ऐप से हम लोग बूटेबल पेन ड्राइव बनाते हैं, सब चीज़ हम लोग डिटेल स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं। इसका अगला वाला जो हमारा वीडियो होगा वो होगा कि हम लोग किसी भी विंडोज़ को इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। बूटेबल पेन ड्राइव अगर हम लोग बना लिए हैं तो उसको किसी भी पीसी या डेस्कटॉप में इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो हमारा है बूटेबल पेन ड्राइव आप कैसे बना सकते हैं, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप ये सीख लेते हैं तो आपका बहुत ही पैसा बच जाएगा, क्योंकि अगर आप कहीं भी जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो 500 रुपीज़ एक पीसी का लिया जाता है विंडोज़ 10 डालने का। विंडोज़ 11 तो और महंगा है, विंडोज़ 10 डालने का 500 रुपये लगता है। लेकिन अगर आपके पास एक पेन ड्राइव है और आपके पास अभी प्रेजेंट में एक सिस्टम है जो है वो चल रहा है, तो आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। केवल आपको कुछ नेट की ज़रूरत पड़ेगी, 4 से 5 GB की। अगर आपके पास है सारे संसाधन तो आप केवल फ्री में कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से कुछ स्टेप्स में। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत ही आसानी तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले विंडोज़ का बूट डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली से अपने क्रोम ब्राउजर खोल लेना है, या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर खोल सकते हैं, कोई भी ब्राउजर डेस्कटॉप पर खोल सकते हैं। सिंपली से आपको गूगल पर आना है और सिंपली से टाइप कर देना है विंडोज़ 10 डाउनलोड। क्या आपको टाइप करना है? विंडोज़ 10 डाउनलोड। विंडोज़ 10 डाउनलोड टाइप करने के बाद आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस पूरा खोल के आ जाएगा। सबसे पहले आपको microsoft.com का ऑफिशियल साइट दिख रही है, इस पर आपको क्लिक करना है, जो कि हम लोग मेनली कैसे डाउनलोड, बहुत सारी साइटें हैं लेकिन हम लोग किसे डाउनलोड करेंगे? ऑफिशियल वेबसाइट से। ऑफिशियल हमेशा सही होता है और यकीनमंद भी होता है, तो हम लोग उसी को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक लिखा हुआ है क्रिएट विंडोज 10 इंस्टॉलेशन मीडिया टू गेट स्टार्टेड यू विल फर्स्ट नीड अ लाइसेंस टू इंस्टॉल विंडोज 10, यू कैन डाउनलोड एंड रन द मीडिया क्रिएशन टूल। सिंपली से आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली से क्लिक कर देना है डाउनलोड टूल नाउ। डाउनलोड टूल नाउ पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, जो भी आपका डाउनलोड होगा यहाँ पर दिख रहा है ये डाउनलोड हो चुका है, 18.6 MB का है ये केवल। सिंपली से आपको इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप जब ये यहाँ से यस कर देंगे, तो यस करने के बाद सिंपली से हम लोग यहाँ पे यस कर देंगे। फिर क्या होगा, यस करने के बाद मैंने पहले से एक विंडोज लोड करके कर चुका है, क्या होगा यहाँ पर जो भी आप फाइल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर चलिए हम इसको फिर से क्लिक कर लेते हैं यस। यस क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, गेटिंग अ फ्यू थिंग्स रेडी। सिंपली से कुछ थोड़ा सा समय लग सकता है जरूर, तो चलिए हम लोग इसको ओपन करके आपको सभी को दिखाते हैं। उसको क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस यहाँ पर खुल के आ जाएगा। जितना भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, लाइसेंस टर्म्स है, एप्लीकेबल नोटिसेस हैं, सब चीज़ लिखे हुए हैं, सब आप पढ़ लीजिएगा, एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद आपके सामने फिर से वही इंटरफेस आ जाएगा, गेटिंग अ फ्यू थिंग्स रेडी। उसको क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा, व्हाट डू यू वांट टू डू। आप इसी पीसी को अपग्रेड करना चाहते हैं या आप उस फाइल को यूएसबी फ्लैश ड्राइव या डीवीडी में स्टोर करना चाहते हैं, तो हमको बूटेबल पेन ड्राइव बनाना है। तो बूटेबल पेन ड्राइव करने के लिए क्या करना होगा, क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया यूएसबी फ्लैश ड्राइव डीवीडी और आईएसओ फाइल फॉर अनदर पीसी। आप इस पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा, आप इसको अनटिक कर देंगे, ठीक है। विंडोज 10 64 बिट इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा, चूज विच मीडिया टू यूज। आप सिंपली से यूएसबी फ्लैश ड्राइव ना करके आईएसओ फाइल करेंगे। आईएसओ फाइल पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का नेक्स्ट करने के बाद इंटरफेस आ जाएगा। जो भी आप जहाँ भी इसको सेव करना चाहते हैं आप इसको सेव कर लेंगे, और सिंपली से सेव करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल जाएगा, जैसा कि मैंने पहले लोड कर लिया था, मैंने आप सभी को बता ही दिया है, उसको मैं दिखा देता हूँ आपके सामने। यहाँ पर मैंने डेस्कटॉप चूज किया था तो विंडोज यहाँ पर आ चुका है, आप सभी लोग उसको ओके कर देंगे तो यह हो जाएगा। विंडोज 10 का लगभग 4.5 GB के लगभग का है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये विंडोज इंस्टॉल फाइल हो चुकी है, 4.5 GB के लगभग की है, जैसा कि मैंने बताई दिया। सिंपली से अब आपको क्या करना है, एक सॉफ्टवेयर और लोड करना है जिसका कि मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसका नाम है रूफस। क्या नाम है? रूफस।
चलिए हम लोग यहाँ पर सर्च कर लेते हैं रिफस, रिफस डाउनलोड, रिफस डाउनलोड फॉर पीसी। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, क्या करना होगा, यहाँ पर रिफस डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, रिफस डाउनलोड, यहाँ से आप सिंपली से डाउनलोड कर लेंगे, फिर इंस्टॉल कर लेंगे। मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है इसलिए मैं फिर से डाउनलोड नहीं करूँगा। फ्री डाउनलोड फॉर विंडोज़ है, यहाँ पर क्लिक करेंगे सिंपली से डाउनलोड हो जाएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा। इसको मैं खोल के आप सभी को दिखा देता हूँ रिफस कौन सा है और रिफस को आप कैसे यूज़ करते हैं और ब्यूटेबल पेन ड्राइव कैसे कर सकते हैं। वही एक रिफस ही एक ऐसी साइट है जिससे कि आप उस ब्यूटेबल पेन ड्राइव को बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग रिफस खोल लेते हैं, रिफस जो भी हमारा ऐप है रिफस, यहाँ पर आप देख सकते हैं रिफस 4.2.exe मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है। ये एक एप्लीकेशन है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन। सिंपली से क्लिक करेंगे कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल जाएगा। अगर आपका विंडोज 10 है यस पर क्लिक करेंगे, यस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल कर आ जाएगा। डिवाइस का नाम वो ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा, ऑटोमेटिक पता कर लेगा कि आपने कौन सा डिवाइस लगा रखा है। रिमूवेबल डिस्क आप लगा सकते हैं अपने पेन ड्राइव में, पेन ड्राइव आप लगा सकते हैं अपने पीसी में। और फिर बूट सिलेक्शन में आप सिंपली से इसी को रहने देंगे, कोई आपको चेंज नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सेलेक्ट पर क्लिक करना है और ब्राउज कर देना है डेस्कटॉप पर, जहाँ पर भी आपने डाउनलोड किया हुआ है वो विंडोज। सिंपली से आपको क्लिक करना है, विंडोज पर क्लिक करना है, फिर ओपन पर क्लिक कर देना है। सिंपली से हम लोग ओपन पर क्लिक करते हैं। ओपन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल जाएगा और आपको क्या करना है, यहाँ पर रेडी, यहाँ पर दो ऑप्शन है पार्टीशन स्कीम में। कुछ जो लैपटॉप होते हैं वो MBR फाइल सपोर्ट करते हैं और कुछ फाइल GPT पार्टीशन स्कीम सपोर्ट करते हैं। चलिए हम लोग MBR पर कर लेते हैं और टारगेट स्कीम BIOS होगी और बाकी सब सेम रहने देंगे, आपको कोई चेंजेस नहीं करना है। यहाँ पर सिंपली से स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस आएगा विंडोज यूजर एक्सपीरियंस का। ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद विंडोज ऑल डेटा ऑन डिवाइस विल बी डिस्ट्रॉयड, इस पर ओके कर देंगे। उसको करने के बाद आपके यहाँ पर स्टेटस आ जाएगा कि जो भी हमारा डेटा है वो कॉपी होना शुरू हो चुका है हमारे पेन ड्राइव में। पेन ड्राइव आपका बूटेबल पेन ड्राइव बनना शुरू हो गया है। सिंपली से लैपटॉप से करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट ये पूरी चीज होती है, कोई भी पैसा देना नहीं होता है। और आप दुकान पर जाएंगे तो 500 रुपये ले लिया जाता है इसी चीज़ का, आप लोग फ्री में कर सकते हैं, यहाँ पर ये पूरा हो जाता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही जल्दी जल्दी होता है ये। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा आपका जो भी रिफर्स से आपने जो बूटेबल पेन ड्राइव बनाने की प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो जाएगी, कुछ इस टाइप का इंटरफेस हो जाएगा, रेडी यहाँ पर लिख करा जाएगा, पूरा ये फिलअप हो जाएगा। और यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक नहीं करना है, सिंपली से आप इसको क्लोज कर सकते हैं। अब आपका बूटेबल पेन ड्राइव तैयार हो चुका है, सिंपली से आपको पीसी में लगाना है और इंस्टॉल करना है। दोस्तों आप सभी ने देख लिया कि बहुत ही आसानी तरीके से आप किसी भी पेन ड्राइव को बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बना सकते हैं। एक बार बूटेबल पेन ड्राइव बन जाएगा तो आप बहुत ही आसानी तरीके से कभी भी उस वो पेन ड्राइव आपके लिए हमेशा के लिए बन गया, जब तक आप उसको फॉर्मेट नहीं कर देते हैं। जब तक आप उसको फॉर्मेट नहीं करते हैं तब तक वो आपका बूटेबल पेन ड्राइव रहेगा। तो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है। अगर आपको अवसर मिलता है कि कहीं उस बूटेबल पेन ड्राइव को यूज़ करके आपको विंडोज़ डालना है तो आप बहुत ही आसानी तरीके से कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो करके, जो कि मैंने इस वीडियो में बता दिए हैं, उसको आप फॉलो करके आप बहुत ही आसानी तरीके से विंडोज़ कोई भी डाल सकते हैं। विंडोज़ 11 का भी यही प्रोसीजर है, जैसे हम लोग ने 10 लोड किया था वैसे वहाँ पर आप 11 लोड कर लीजिए। 7 लोड करना है डाल दीजिएगा गूगल पर, विंडोज़ 7 डाउनलोड तो आ जाएगा आपके सामने, पहली साइट ही आ जाएगी। ठीक है, बहुत ही आसानी तरीका था जिससे आप बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते थे। होपफुली आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें कि दोस्त भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें, इसको सीख सकें। और इसकी ज़रूरत तो पड़ती है क्योंकि हमेशा हमारा सिस्टम कई बार करप्ट हो जाता है, तो आपको ज़रूरत पड़नी ही पड़नी है। तो आप सभी लोग इसको सीख लीजिए, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए अगले वीडियो मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ, और अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ऐसे ही टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोज़ और टेक रिलेटेड वीडियोज़ हमारे चैनल पर हमेशा आते रहते हैं। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।